विषय है आधुनिक युग में महिलाओं का योगदान या महिलाओं की महिलाओं की का जो योगदान है वो चिरकाल से चला है और चिरकाल तक रहेगा। हमारे सभी सहभागियों ने अभी एक बात बोली कि जो मनुस्मृति के तृतीय अध्याय का एक श्लोक है कि जहाँ महिलाएं रहती हैं वहीं पर जो है देवताओं का वास होता है। ये बस एक कहने की बात नहीं है, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आजकल गणेश जी सभी के घर आए हुए हैं, आप कोई एक ऐसे घर में जाइए जहाँ पर नारी नहीं है, जहाँ पर महिला नहीं है, उस घर में जाके देखिए क्या गणेश जी का वास है वहाँ। मेरे हिसाब से आपको शायद ही कोई घर मिले जहाँ पर महिला नहीं है और वहाँ गणेश जी का वास है। महिला जहाँ रहेंगी वहाँ पर पूजा पाठ और एक नव चेतना अपने आप ही उस घर में आ जाती है। मित्रों और सहभागियों, हम अभी महाराष्ट्र की धरती पर हैं, महाराष्ट्र की धरती एक पावन धरती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ की माँ सशक्त होती है वहाँ के पुत्र पुत्रियाँ भी सशक्त होते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता माता जीजाओ जो कि एक ऐसी सशक्त महिला थी जो बिना पति के अपने पास रहते हुए भी अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा दी जिन्होंने एक मराठा साम्राज्य की स्थापना की। मैं इस बात को थोड़ा और आगे ले जाना चाहूँगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्रवधू थी ताराबाई। ताराबाई ने औरंगजेब जैसे बड़े राजा के साथ लोहा लिया, उनसे 1701 से 1707 तक जब दक्कन में औरंगजेब की छावनी थी तो ताराबाई पर कई हमले औरंगजेब की तरफ से हुए, परंतु औरंगजेब को एक अवसाद ने घेर लिया कि एक महिला को वो नहीं हरा पाया, इस कारण दक्कन में उनकी मृत्यु हो जाती है। वह ताराबाई ही थी जिन्होंने वो लोहा लिया और मराठा साम्राज्य को अटक से कटक तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाई। मित्रों ये तो खैर पुरानी बात है, मैं आजकल की बात अगर आपको बताऊं तो कल ही एशिया कप हुआ था, एशिया कप में भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। एक समय ऐसा भी था सन 2000 में जब ओलंपिक हो रहे थे, भारत देश को एक भी मेडल नहीं मिल पा रहा था, हमारे देश की एक महिला श्री कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में तब कांस्य पदक दिलाकर भारत की इज्जत बचाई थी। सन 2000 ओलंपिक में भारत का सिर्फ एक ही मेडल था जो कि श्री कर्णम मल्लेश्वरी ने दिलाया। ऐसे ही काफी सारे उदाहरण हमारे पास हैं, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, दुनिया भर के हमारे पास महिलाओं के उदाहरण प्रस्तुत हैं हमारे पास। लेकिन दो एक राजनीतिक महिलाओं के बारे में बात करना चाहूंगा, श्रीमती सोनिया गांधी। सन 1995-96 की बात है, सीताराम केसरी जी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने कांग्रेस की जो कमान थी वो श्रीमती सोनिया गांधी के हाथों में थमाई और आज के समय तक श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी को सबसे लीड करके सबसे आगे रखे हुए हैं। और आज के समय में भी जो कि भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बहुमत के साथ आगे बढ़ी है, परंतु नेता प्रतिपक्ष आज के समय में भी श्रीमती सोनिया गांधी थी। दूसरा मैं नाम लेना चाहूंगा हमारे देश के एक महान विदुषी श्रीमती सुषमा स्वराज जी का। आजकल हम राजभाषा की चर्चा कर रहे हैं, हिंदी की चर्चा कर रहे हैं, हिंदी की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की बात किसी ने उठाई तो श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने उठाई। शशि थरूर जैसे अंग्रेजी के महाज्ञाता ने भी जब उनसे प्रश्न पूछे अंग्रेजी में कि आप एक हिंदी जैसी भाषा जिसको दक्षिण भारतीय क्षेत्र में कोई बोलना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता, आप उस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों ले जाना चाहती हैं, उस देश का पैसा उसमें आप क्यों खर्चना चाहती हैं, श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने कहा था यह भाषा भाव की भाषा है, यह भाषा बोली की भाषा नहीं है। एक बहुत ही अच्छी चीज के साथ उन्होंने कहा कि जब राम रावण का युद्ध हुआ था तो राम ने श्री महादेव की जो आराधना करी तो उन्होंने कहा कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, ये आराधना उन्होंने करी। वहीं रावण ने जो आराधना करी वो शिव तांडव स्तोत्र जो उन्होंने खुद लिखा था, डमट 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 निनाद मड वरम, इसकी आराधना करी थी श्री महादेव की। अगर आज आप 5 साल के किसी बच्चे को कहें नमामि शमीशान राम ने गाया कि रावण ने गाया और डमट डमट ये रावण ने गाया कि राम ने गाया, तो 5 साल का बच्चा भी आपको बता देगा कि यह राम ने गाया होगा या रावण ने गाया होगा। यह जो है भाव की भाषा है हिंदी, और यह भाव की भाषा विश्व में हर किसी के पास पहुंचनी चाहिए। ऐसी महान विदुषी हमारे बीच नहीं रही है, इसका खेद तो हम सभी को है। मित्रों और सहभागियों, उदाहरण तो दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा जिस चीज के बारे में शायद आप सभी लोग अनभिज्ञ हैं, लेकिन मेरी इस बात की पुष्टि आप थोड़े दिनों बाद कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा आज से 3 साल पहले कोरोना काल चला था, कोविड का समय चला था, हमारे देश में वैक्सीन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी। हमारे देश में जब वैक्सीन बनाने की बात हुई तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वहां पर 90% सिर्फ लैब में काम करने वाली महिलाएं ही थी। इसका कारण क्या है, क्या पुरुष सक्षम नहीं है उन दवाइयों को बनाने में? मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब आप वायरोलॉजी की लैब में जाते हैं, एक
घना सुनसान अंधेरा वहां रहता है, सिर्फ सफेद रोशनी, सफेद कपड़े, ऐसा सन्नाटा जो हृदय और दिमाग को छीन ले, जो आपको शांत ना रहने दे। ऐसे स्थिति में भी महिलाओं ने उस कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण करा है। अंत में मैं बस यही बात कहना चाहूंगा कि हमारी भारत सरकार काफी अच्छे कदम उठा रही है ताकि आधुनिक तौर पर महिलाएं और आगे बढ़ सकें। साथ ही साथ एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे श्लोकों में भी ये बात लिखी गई है कि एक नारी या एक स्त्री को अगर अच्छी शिक्षा दिया जाए, अच्छा भरण पोषण दिया जाए, तो 10 पुत्रों के समान होती है। मैं आखिरी बात कहूंगा सभी सहभागियों से, अगर आपके घर में एक बेटी हो और एक बेटा हो, आप कहीं जा रहे हैं, आप अपनी बेटी को कहें बेटी मेरा बैग जरा पैक कर दो, एक एक चीज आपको प्रॉपर तरीके से, आसान तरीके से, अच्छे तरीके से आपके बैग में मिलेगी। वहीं अगर आप अपने बेटे को ये काम करेंगे तो आपका ब्रश कहीं रहेगा, आपका टूथपेस्ट कहीं रहेगा, हो सकता है एक जूते में, दो जूतों में से एक जूता रखा ही ना जाए। तो यही नारी की महानता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ।